Now guys, we have next important property that if A plus B plus C is equals to 180 degrees, right? 180 degree, or we can call pi radian, right? If sum of three angle is 180, then the two results are very important. I mean, if some question is given to you, I mean, you can find the value straight away. First result is, if A plus B plus C is 180, then tan A plus tan B plus tan C, tan tino angle ke tan ka sum jo hoga, wo uske product ke equal hota hai, just imagine, right? And secondly, agar main isko tan mein cot mein convert kar du, 1 by cot A, 1 by cot B, 1 by cot C, sabko cot mein convert karke LCM le lu, to cancel hone ke baad ye result aayega. Cot A cot B plus cot B cot C plus cot C cot A equals to 1, right? Similarly, agar A plus B plus C 90 hai, that is pi by 2, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो odd multiple of 90 है, right? तो same thing, same result, but with cot. जहां tan था वहां cot होगा, जहां cot है वहां tan होगा. तो cot A plus cot B plus cot C is equals to cot A into cot B into cot C. मैंने वो formula में देखा, वो किसी ने गलत इसको लिख दिया था, plus बीच में डाल दिया था, that is wrong, into होगा, right? Okay, ये दो results हैं. प्रूफ भी कर लोगे तुम आराम से, बोलोगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन इसके क्वेश्चन देखो. अगर आपको कहीं पे लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 18 इनटू tan 22 डिग्रीज प्लस tan 22 डिग्रीज इनटू tan 50 degree plus tan 50 into tan 18 degree, right? अगर मैं आपको ये question दे दूँ कि इसका value बताओ मुझे, तुम फिर सोचोगे 18 degree का tan का value नहीं पता, 22 का नहीं पता, 50 का नहीं पता, how to find the answer? लेकिन आप result देखो कि अगर तीन angle का sum 90 या any odd multiple of 90 हो, तो tan A into tan B, यानी कि जो भी तीन एंगल है उसमें से दो दो लेकर उसका tan का प्रोडक्ट ले लो और उसको ऐड करोगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा. तो यहां पे लेट अस चेक द वैल्यूज. एक एंगल 18 है, आप रफ में चेक करना 18. एक एंगल 22 है, उसको रफ में ऐड करो इसमें, राइट? और थर्ड एंगल 50 है, तीनों को ऐड करके देखो क्या आ रहा है, 90 आ रहा है. तो इफ ए प्लस बी प्लस सी 90, यहां भी तीनों एंगल का सम 90 है, तो tan a into tan b plus tan c into tan a plus tan a tan b into tan c का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ऑलवेज 1, जब भी a plus b plus c 90 हो. देखो मैं यहां 18, 22 और 50 की जगह मैं कुछ भी रख दूं, प्रोवाइडेड उसका सम अगर 90 है तो उसका आंसर क्या आने वाला है, ऑलवेज 1. इसका आंसर कोई पूछेगा तो क्या लिखूंगा मैं, स्ट्रेट अवे 1 लिखूंगा. Very important formula, right? एक question और देखो इसका. अगर मैं question दे दूँ कि find the value of tan 19 degree into tan 88 degree, ठीक है, into tan into tan 73 degrees by tan 19 plus tan 88 plus tan 73, इसका वैल्यू निकालो, राइट? तो एक ही झलक में आप इसका आंसर बता दोगे, क्योंकि हमें पता है कि तीनों एंगल को अगर मैं ऐड करके देखूं, 19, 88 और 73 को जरा ऐड करें हम लोग, तो क्या आ रहा है, राइट? दिस इज 20 टू कैरी, दिस इज 10 11, 180 आ रहा है. अगर तीन एंगल का सम 180 है, तो tan A plus tan B plus tan C और tan A into tan B into tan C का वैल्यू सेम होगा, यानी कि ये दोनों सेम है, कट के आंसर क्या आया, स्ट्रेट अवे 1, राइट? तो दीज आर द बेनिफिट ऑल दीज फॉर्मूलाज. ये तुम खुद भी प्रूव कर सकते हो, राइट? अगर कोई बोले ये प्रूव करो तो बड़ा आसान है, a plus b plus c 180, तो a plus b को लिख सकते हो 180 minus c. अब दोनों तरफ tan लगा दो, दोनों तरफ tan
tan लगा दो और इसको फॉर्मूला से ब्रेक कर दो, ये तो माइनस टैन सी हो जाएगा। इसको फॉर्मूला से ब्रेक करोगे टैन ए प्लस टैन बी बाई वन माइनस टैन ए टैन बी, तो एलसीएम लोगे ये प्रूफ हो जाएगा, राइट? वेरी सिंपल।